जैसा कि अभी इमरान बंटी भाई जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो कहा कि जहरा कोचिंग सेंटर के नाम से कुछ बहनें तारापुर कॉलोनी में एक निशुल्क कोचिंग सेंटर चला रही हैं, जो करीब डेढ़ दो साल से चला रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले सारे बड़े बड़े चैनलों ने उस खबर को चलाया और प्रिंट मीडिया ने भी उसको मुख्य खबर के रूप में उसको छापा और निशुल्क एक करीब 200 बच्चों को ये बहनें तालीम दे रही हैं फ्री में। इसलिए आज कास्मी फाउंडेशन ने ये किया है कि हम उन बहनों को आज अपने स्टेज सम्मान करेंगे। इसलिए अगर हमारी आवाज जहरा कोचिंग सेंटर से आई हुई बहनों को पड़ रही है तो स्टेज पर आने का कष्ट करें। और मैं ये इनाम अपने जनाब इमरान बंटी साहब जिलाध्यक्ष एमआईएम के हाथों से दिलवाना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में काफी दिनों से निशुल्क कोचिंग सेंटर चलाने वाली ये बहनें काफी मेहनत कर रही हैं, आप इनकी हौसला अफजाई करिए। उसके बाद हमारे एक मेहमान और दोस्त रुस्तम भाई जो बस्ती से आए थे इस प्रोग्राम के लिए, उन्होंने ये आज इस मन से ऐलान किया है कि मैं 1,000 रुपए हर महीने इस मदरसे में बच्चों को दूंगा। तालियों के साथ उनका स्वागत करिए, उनका शुक्रिया अदा करिए। आइए, छोटी सी गजल जो हमने लिखी है गरीब बच्चों के, आग नफरत की बुझाने की कोशिश करना, आग नफरत की बुझाने की कोशिश करना, तालीम को मोहब्बत से बढ़ाने की कोशिश करना, तालीम को मोहब्बत से बढ़ाने की कोशिश करना। दौलत से तालीम का सौदा किया जा सकता नहीं, तालीम को बाजार से खरीदा जा सकता नहीं। लहरों से समुद्र की खूबसूरतियाँ बढ़ जाती हैं, लहरों से समुद्र की खूबसूरतियाँ बढ़ जाती हैं। अच्छी तालीम से बच्चों की जिंदगी खुशी आबाद हो जाती है। तालीम को गरीबी के चादर से ढकने नहीं देना, तालीम को गरीबी के चादर से ढकने नहीं देना। मोहब्बत से चुमकर उस चादर को मोड़ देना, मोहब्बत से चुमकर उस चादर को मोड़ देना। तालीम पाना है तो गुरूरियत को छोड़ देना, तालीम पाना है तो गुरूरियत को छोड़ देना। कड़ी मेहनत से हर कामयाबी को पाया जा सकता है, कड़ी मेहनत से कामयाबी को पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैंने